लॉट। अभी तक जब तक हम इंटरनेट की दुनिया से दूर थे तब तक दायरे थोड़े सीमित थे, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट ने हर क्षेत्र में अपना दखल दिया है, कदम बढ़ाया है, वैसे वैसे दायरे इतने विस्तृत हो गए हैं कि अब पूरा विश्व एक गांव के रूप में नजर आता है। तो ऐसे में समझ में आता ही है कि रिसर्च में भी चीजें बहुत चेंज होंगी, क्योंकि अब आपको जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स पर देखकर काम करना होगा। जैसा अभी पांडे मैम ने कहा था कि आप जो कुछ भी वर्क कर रहे हैं दैट वर्क विल बी जज्ड बाय द आईज ऑफ दिस ग्लोब, नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली योर एरिया। अब पूरे विश्व के विद्वानों के कार्य में से यदि आपने कुछ भी अपने रिसर्च एंड हम इसके फायदों को यूज करते हुए इसके नुकसानों को कैसे ओमिट करेंगे, उस तरफ थोड़ा सा आपको ले जाने का मेरा प्रयास रहेगा। So, this is the agenda for today. Something about the role of computer software in research and various steps of research. As we all know, हमारा research work कुछ चरणों से होकर गुजरता है. Research is a step by step process. It is a scientific manner of doing a research work. तो हर चरण में किस तरीके से software हमारा सहयोग बनकर उभर सकते हैं, सहयोगी बनकर उभर सकते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो टूल्स हमें हेल्प कर रहे हैं उनके बारे में रहेगा ये। सो जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा था, कंप्यूटर ने इंटरनेट के साथ मिलकर हमें एक ऐसी विस्तृत दुनिया दी है जो इंफॉर्मेशन का एक खजाना है। इट इज नोन एज WWW और द वर्ल्ड वाइड वेब, जहां पर सूचनाओं का भंडार है। इस सूचनाओं के भंडार से एक रिसर्चर किस तरीके से अपनी रिसर्च वर्क को और ज्यादा विस्तृत आयाम दे सकता है, ऐसी बहुत सारी स्थितियां आपको मिल पाती हैं।
आपको बच के जा रहा है। आप अपने ही काम में पिछला